Welcome back to BBVN online classes. Today the topic is generation of computer. Each phase of computer development is known as a separate generation of computer. The first generation, approximately 1940 to 1956. These computers were powered by thousands of vacuum tubes and their memory was stored or magnetic storage device such as magnetic tape and drums. जस्ट लाइक जो आपकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसमें बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स होती थी और स्टोरेज डिवाइस के लिए वहाँ पे काम में लिया जाता था मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस लाइक मैग्नेटिक टैप और ड्रम्स. अगर अपन बात करें की फीचर्स की तो बिग एंड क्लम्सी कंप्यूटर दैट यूज अ वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब जो कंप्यूटर यूज करते थे वो काफ़ी बड़े और काफ़ी क्लम्सी होते थे. इट मीन्स उनका जो साइज है उनका जो आकार है वो काफ़ी अजीबोगरीब था. नॉट वेरी रिलायबल एज इलेक्ट्रिसिटी फेलियर अकर्ड रेगुलरली. इलेक्ट्रिसिटी फेलियर रेगुलरली होने की वजह से ये रिलायबल नहीं थे. लार्ज एयर कंडीशनर वर नेसेसरी बिकॉज कंप्यूटर जनरेट लॉट ऑफ हीट. यहाँ पे अपन को लार्ज एयर कंडीशनर की जरूरत भी पड़ती थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट करते थे. यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट और ये स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को काम में लेते थे. प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो प्रोग्रामिंग होती थी वो ओनली मशीन लैंग्वेज के अंदर होती थी. नेक्स्ट आर द रिमार्क्स. वेरी लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट. इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती थी. हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन. काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करते थे ये कंप्यूटर. जनरेटेड लॉट ऑफ हीट. काफ़ी ज़्यादा हीट भी जनरेट करते थे. स्लो ऑपरेटिंग स्पीड. इनकी स्पीड काफ़ी स्लो थी और लिमिटेड प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी. जो इनकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ही थी. अगर अपन मेमोरी टाइप की बात करें तो जो मैग्नेटिक ड्रम है उसको काम में लिया जाता था और जो स्टोरेज डिवाइस है उसकी अगर अपन बात करें तो पंच कार्ड है या पेपर टेप है इनमें इसके डेटा है वो स्टोर किए जाते थे. नेक्स्ट इज अ सेकेंड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी. जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड थे. अगर इनकी जनरेशन को अगर अपन किसी फेज में डिवाइड करें तो अपन कह सकते हैं कि 1956 टू 1963 अप्रॉक्सीमेटली. दीज कंप्यूटर स्टिल रिक्वायर एयर कंडीशनर. इनको भी एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट होती थी. दे वर स्मॉलर फास्टर मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट एंड मोर एनर्जी एफिशियंट कंपेयर एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ये जो कंप्यूटर है वो अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा छोटे फास्ट रिलायबल और मोर एनर्जी एफिशियंट कंप्यूटर थे. अगर की फीचर्स की बात करें तो ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर ने. इट मीन्स जहाँ पे आपके वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था वहाँ पे किसका यूज होने लग गया ट्रांजिस्टर्स का. स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. जो इनकी साइज है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बजाय काफ़ी कम थी स्मॉल थी. जनरेटेड लेसर हीट देन अर्लियर कंप्यूटर. ये कम हीट जो जनरेट करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बजाय. लोअर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन. इनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था वो भी कम था. मोर रिलायबल एंड फास्टर एंड प्रोग्रामिंग इन मशीन एज वेल एज असेंबली लैंग्वेज. जो सेकेंड जनरेशन के अंदर है जो प्रोग्रामिंग थी वो मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज में भी होती थी. जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर है उसका लुक कैसा है. पहले यहाँ पे क्या यूज होता था इसकी जगह वैक्यूम ट्यूब. अब आगे ट्रांजिस्टर तो इसकी साइज़ क्या हो गई काफ़ी कम हो गई. अगर रिमार्क्स की बात करें तो नॉट ए जनरल पर्पस कंप्यूटर. ये जनरल पर्पस कंप्यूटर नहीं थे. फॉर साइंटिफिक एंड बल्क डेटा प्रोसेसिंग टास्क ओनली. ये साइंटिफिक टास्क के लिए थे या फिर अपन कह सकते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग के लिए काम में आते थे. द मशीन वर कॉस्टली. इसकी मशीन भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी. अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो टेली टाइप राइटर या फिर पंच कार्ड इनमें यूज होता था. मेमोरी टाइप वही मैग्नेटिक कोर इसमें काम में लिया जाता था. और स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक टेप या हार्ड डिस्क इसमें एज ए स्टोरेज डिवाइस है वो काम करती थी. नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर अप्रॉक्सीमेटली 1964 टू
1971. These computers were based on integrated circuit called IC technology. जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है वो IC technology के बेस पे थे. Power consumption and heat generation was less than the previous generation of computer. जो power consumption है या अपन कह सकते हैं heat generation है वो काफ़ी कम होता था किसके बजाय, जो उसके पहले जो जनरेशन है, इट मीन्स जो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के बजाय. एक्सटेंसिव यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस बिकम पॉसिबल. जो थर्ड जनरेशन के अंदर है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज है काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था. इट मीन्स जो हाई लेवल लैंग्वेज है उनका यूज है, वैसे तो सेकेंड जनरेशन के लास्ट के अंदर शुरू हो गया था, पर जो थर्ड जनरेशन के अंदर है इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था. और हाई जनरेशन जो लैंग्वेज है, या अपन हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो उसमें आता है C++. इनका की फीचर्स की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इट मीन्स IC है, तो काफ़ी ज़्यादा हीट है वो कम करेगी, काफ़ी स्मॉल जो साइज़ के अंदर होगी, या अपन कह सकते हैं कंप्यूटर स्मॉलर फास्टर एंड मोर रिलायबल. जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, फास्टर है और काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय भी है. लोअर पावर कंजप्शन, IC है वो काफ़ी ज़्यादा पावर है वो लो कंजप्ट करती है, तो अपन कह सकते हैं कि लोअर पावर कंजप्शन है. नेक्स्ट आता है हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप. जो थर्ड जनरेशन के अंदर है वो हाई लेवल लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई थी, तो सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है वो हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर बेस्ट हो गए थे. नेक्स्ट रिमार्क्स की बात करें, देन प्रूव टू बी हाईली रिलायबल, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड फास्टर. कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल थे और इनएक्सपेंसिव थे, इट मीन सस्ते भी थे और फास्ट कंप्यूटर भी थे. लेस ह्यूमन लेबर वाज रिक्वायर्ड एट असेंबली स्टेज. अगर अपन बात करें तो जो ह्यूमन लेबर है इसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड है, प्रिंटर है, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस काम में ली जाने लग गई. मेमोरी टाइप इसमें कोर मेमोरी या फिर DRAM है, जो डायनेमिक रैम है, जो DRAM चिप है इसमें आती थी. इसके अलावा स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इनका यूज जो आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में होने लग गया था.